तो हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ हम आपके अपने परिवार रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम क्लास नाइन्थ जो अध्याय सात है गति, उसके हम महत्वपूर्ण आंकड़े प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों को करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल बोला गया कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपको जो दे रखा है वो लिखोगे क्या, एक वस्तु की 16 मीटर की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी यहाँ लिखोगे, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी आपकी S1। दो दूरियाँ दे रखी हैं, कितनी है आपकी 16 मीटर। इसके बाद आपको क्या बोला है कि दूरी कितने सेकंड में, समय, तो समय कितना लगता है इसको, इसको लगता है मानो समय T1 कितना है आपका 4 सेकंड। ठीक है, जैसा मैं कर रहा हूँ साथियों वैसे ही आप करना। पुनः 16 मीटर की दूरी, ठीक है, पुनः बोला गया है, पुनः क्या हो जाएगा दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी, तो पुनः आपकी वस्तु की दूरी उसको क्या मान लो आप लोग S2 कितना दे रखा है आपको 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर आपको दे रखा है। फिर जो समय लगता है उसे T2, समय जो T2 उसे कितना लगता है, वो लगता है आपका 2 सेकेंड। कितना लगता है 2 सेकेंड। आपको क्या बताना है, आपको बताना है वस्तु की औसत चाल। ठीक है, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा वस्तु की औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल B बराबर कुल दूरी और बटा क्या होता है आपका कुल समय, ये होता है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी S1 प्लस S2, कुल समय कितना हो जाएगा T1 प्लस T2, ये हो जाएगा आपका सूत्र। ये वाला सूत्र जो है आप इसमें रख दोगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, B बराबर S1 है आपकी 16, S2 भी है 16, समय कितना है आपका पहले है T1 4 प्लस T2 है आपका 2, तो यहाँ से जो B बराबर हो जाएगा 16 16 32 बटे 6। जब इसको काटोगे तो 2 3 6 2 1 2 2 6 12, तो यहाँ से B बराबर आ जाएगा 16 बटे 3। जब आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 पॉइंट लगाओगे, 3 3 9 3 3 9, ऐसे करके ये चलता चला जाएगा। तो यहाँ से B बराबर हो जाएगा 5.33 क्या हो जाएगा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर अच्छे से समझ पाए हों तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, दूसरा सवाल इसी प्रकार हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया है, बोला गया यात्रा शुरू होते समय कार का ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकेंड में ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल तो बढ़िया है पर अच्छा भी है, है कि नहीं, कैसे करने वाले। चलिए, कुछ बच्चे इसमें डाउट हमसे पूछ लेते हैं कि सर ये आप घटाते क्यों हो। ठीक है, देखो यात्रा शुरू होते समय जो कार का ऑडोमीटर था 2000 और यात्रा जब समाप्त हुई, ठीक है, तो कितना हुआ था 2400, तो इसका मतलब ये कि जब यात्रा शुरू हुई थी यानी पहले तो उसकी मीटिंग जो थी ऑडोमीटर जो नापते हैं चाल वो 0 होनी चाहिए था ना जब चलते हैं, लेकिन 0 की जगह कितना आपका 2000 है और जब यात्रा आपकी समाप्त हुई तो कितना हो गया 2400। तो इसका मतलब क्या है, इस 2400 में से ये 2000 घटा देंगे तभी तो जो शुरुआत से चलेगा तो कितना चल गया था 400, तभी तो चल पाएगा। तो इसका कहने का मतलब यही होता है, समझ में आ गया बोलोगे जी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो इसको हम करते हैं। बोला गया है कि दिया है, जो दिया रखा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या है, यात्रा शुरू होते समय कार के ऑडोमीटर की माप, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यात्रा शुरू होते समय
कार के ओडोमीटर की माप कितनी दे रखी है? दे रखी है आपको 2400 किलोमीटर, ये दे रखी है। इसके बाद यात्रा समाप्ति, अगर शुरू होती तो जीरो से दिखाता ना, समाप्ति होने, ठीक है, समय, कार का जो ओडोमीटर की माप, ठीक है, कितनी हो जाएगी माप? तो वो हो गई आपकी दो, कितनी पहले थी आपकी 2000, और ये कितनी है 2000, ये कितनी है आपकी 2400 किलोमीटर, ठीक है ना। ये आपके ओडोमीटर की क्या है, माप है, ठीक है, कितनी चल गई माप, यानी कि यहाँ से आप निकालोगे, यहाँ लिखोगे यात्रा शुरू बा समाप्त होने पर ओडोमीटर की कुल माप कितनी हो जाएगी? माप को हम लोग इससे दिखाएंगे, दूरी, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कितनी हो जाएगी आपकी 2400 और माइनस 2000, तो कितनी हो जाएगी आपकी, यस, ये हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 400, 400 ही बचेंगे, 400 किलोमीटर, समझ में आ गया? ये आ गई आपकी अब दूरी किलोमीटर में, ठीक है ना। चलिए, और आपको कुल समय लगता है वो आपको दे रखा है, कुल समय कितना दे रखा है, कुल समय जो है टी वो दे रखा है आपको 8 घंटे। चलिए अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग औसत चाल, आपसे पूछी है, तो औसत चाल क्या होती है ध्यान से देखेंगे, अब तो समझ गए होंगे ना क्यों घटाते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी और बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितनी है आपकी 400 और समय कितना है 8, तो 8 × 5 = 40, तो जो आपका दूरी औसत चाल आ जाएगी बी, वो आ जाएगी आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में। अब आपको बताना मीटर प्रति सेकेंड में, तो मीटर पर सेकंड में कैसे निकालोगे? औसत चाल यहाँ लिखोगे, औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 50, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं आपके 1000 हो गया, बटे 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट और 60 सेकंड। इस तरह से आप हल करोगे, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके 500 और बटे 6 × 36, जब इसे हल करोगे तो ये आ जाएगा लगभग आपका 13.9 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो औसत चाल जो बी आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 13.9 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, इसको हल करोगे तो ये आएगा 13.9, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सवाल को आसानी से समझ पाओगे, मैंने बहुत ही आसानी से और आपको प्यार से समझाया है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। बोला गया है एक रेलगाड़ी प्रारंभ अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है, मान लें कि त्वरण एक समान है, परिकलन कीजिए त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए, जो रेलगाड़ी है आपकी कहाँ से शुरू होती है? विराम अवस्था से, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया है, सवाल नंबर 3, रेलगाड़ी कहाँ से शुरू होती है? विराम अवस्था से, तो रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा जो आपको दिया है, ठीक है, यहाँ से लिखोगे रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा आपका यू, वो हो जाएगा आपका 0, और जो त्वरण दे रखा है वो क्या है आपका, त्वरण ये है वो है आपका एक समान, यही बोला गया है एक समान त्वरण है। इसके बाद गाड़ी 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 मिनट में कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको समय दे रखा है टी, टी बराबर दे रखा है आपको 5 मिनट, तो इसको बदलेंगे हम लोग सेकेंड में, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, कितना हो जाएगा आपका 360
सेकंड, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद क्या और बेग, बेग कितना है, बेग क्या होता है आपका, बी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। देखो आप ध्यान देना, अगर कोई चीज़ है आपको किसी में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे से जाना है आपको कहाँ कहाँ जाना है, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में जाओगे तो गुणा कर दोगे किससे, 5/18 से। ठीक है, अगर इसका विपरीत जाओगे, ठीक है, अगर यहाँ से आप यहाँ जाओगे तो 18/5 से कर दोगे। ठीक है, हमें कहाँ जाना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ से जो बेग हो जाएगा आपका क्या, बेग बी हो जाएगा 72 × 5/18, 18 × 72, 4×5=20, तो हमारा जो बेग आ गया वो आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया। आपसे क्या पूछा है, त्वरण, आपसे क्या पूछा है, त्वरण, त्वरण ये होता है, क्या होता है वही हमसे पूछा है। ठीक है ना, चलिए आप देखो यहाँ से लगा दो आप गति की प्रथम समीकरण, क्या लगाओगे, गति की प्रथम समीकरण से, त्वरण एक समान है, क्या होता है, बी बराबर होता है U+AT, यही होता है। यहाँ से हमें त्वरण निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी ये प्लस का यहाँ पे माइनस की यू बराबर ए और टी, हमें ये निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, या आप ऐसे लिख सकते हो ए और टी बराबर बी माइनस यू, तो यहाँ से आपका ए बराबर हो जाएगा बी माइनस यू बटे टी। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा बी आपका कितना दे रखा है 20, यू है माइनस 0, टी है आपका कितना 300, टी है कितना आपका 300, तो यहाँ से जो ए बराबर आ जाएगा आपका 20/300, 1 0 से 1 0 और यहाँ 15, तब ए बराबर आ जाएगा 1/15 क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का पूछा, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी, यही पूछा गया। ठीक है, चलिए यहाँ लिखोगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, क्या निकालना है, यस निकालना है, तो गति के कौन से लगाओगे, गति के जो आपका क्या है, द्वितीय समीकरण से, किसके, द्वितीय समीकरण से क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा B² = U² + 2AS, तो यहाँ से जो B² कितना है आपका, तो ये है 20 का स्क्वायर कर दोगे, यू है 0 + 2A कितना आया अभी 1/15, और यस जो है हमें निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 400 / 2/15 × ये है आपका यस। ठीक है, तिरछी गुणा करोगे इस तरह से, तो यहाँ से हो जाएगा 2S = 400 × 15, तो यस बराबर हो जाएगा आपका 400 × 15/2, कितना हो जाएगा ये 2, तो 2 से काटोगे 200 और 15 × 2=30, कितना आ जाएगा आपका 3000 मीटर, तो आपका यस कितना आ गया, तो यस आ गया आपका 3000 मीटर, ये आ गई आपकी दूरी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।